पूरे प्रदेश में इस समय पंचायतों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। दूसरी तरफ अगर यह कहा जाए कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना न फैली होती तो आज मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो गया होता। बस इसी बात का फायदा उठाकर ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव दोनों हाथों से लड्डू समेटने में लगे हुए हैं। और इस पूरे मामले को सतना जिले की मझगांवा जनपद पंचायत अब तक सिरमौर बनी हुई है। मझगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नयागांव में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ग्राम पंचायत में किए गए और किए जा रहे निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की गई है। पंचायत द्वारा अभी हाल ही में 3 अर्धबंधानों का कार्य कराया गया। बंधानों का सारा कार्य मशीनों से कराया गया, साथ ही कुछ मजदूरों से काम करवा कर उसकी मजदूरी भी नहीं दी गई। निर्मित कराए गए 3 बंधानों में से एक बंधान अभी से लीकेज होकर बहने लगा है। 9 निर्मित बंधान अपने गुणवत्ता विहीन कार्य की पोल खुद ही खोल रहे हैं। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। जो सर काम हुआ है, कुछ मशीन से कराया गया है, कुछ लेबर से कराया गया है, जिसमें हर गरीबों का अभी तक पैसा नहीं मंजूर हुआ। सेक्रेटरी सरपंच के द्वारा हम लोग पाए भी नहीं मजदूरी। बैंक खाता में बोलते हम डाल दिए हैं, जाते हैं वहाँ के बैंक मैनेजर भी हमको डांटते हैं कि तुम्हारा पैसा आया नहीं, तुम काम ही नहीं किए हो तो पैसा कैसे आएगा, जिसमें हम गरीब आदमी सर परेशान हैं। और इसमें हम सर चाहते हैं कि हमारी मजदूरी को खोजबीन किया जाए, जांच किया जाए कि ये गरीब काम किए हैं फिर भी इन लोगों को मजदूरी दिया जाता है या नहीं दिया जाता। सर ये हमको जानकारी शुरू से नहीं थी, जो काम कराने वाले थे उनको जानकारी थोड़ा बहुत रही होगी, लेकिन ये काम जब चला है तो छिपा के चला है कि ये कुछ ऐसा मशीन करेगी, जहाँ पत्थर है तो मशीन कर लेती है, लेबर के बस का नहीं है। फिर भी लेबर आदमी को काम मिला, जो वहाँ से हम लोगों को बड़ी शौक थी कि हम अपनी मजदूरी करते हैं, पेट पाल लेंगे। ये जो सर कोरोना महामारी के हिसाब से मर्ज फैला है, इसमें हम लोग काम किए हैं सर, हमारा पैसा आज तक नहीं मिला, न हमारे मिलने की ये पैसे का संभावना भी नहीं है सर। देवी कुशवाहा कौन है पंचायत के सरपंच अपना? नए गाँव। माता जी कौन कौन काम चल रहे हैं समय से पंचायत? काम चल रहे हैं सब, लेटरिन हुआ बना है वहाँ स्कूल में। हाँ और तालाब का बनाई गई है? अब 2-3 ठे बनाएगी। कहाँ कहाँ ठे बने? बने बुलेलापुर में। हेलो आओ बुलेलापुर में कहाँ बना है? कहाँ तालाब बने? केवल 3 ठे बने। कितने कितने लाख रुपये के बने हैं माता जी? साहब मैं नहीं पढ़े आऊँ तो बता बताऊँ का जानकारी है उमा जो है सब सगला पैसा मिल गया शासन से? हाँ मिल गया। पूरा पैसा निकाल लिया? और जो रहेगा हो इतना होई और निकल जावा। अब पंचायत में आए के बाद कई मजदूर ये आरोप लगाएंगे कि मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा, पंचायत के सरपंच जो है पैसा नहीं डाल रहे खाता में, तो कैसा मिल रहा? साहब अब मैं कहा बताऊँ कि पढ़े लिखे तो मैं है ये नहीं हूँ। फिर कैसन के पंचायत चला थी? फिर काम धाम को लेकर काम देव हम इन देखी था। प्रमोद कुमार कुशवाहा सरपंच की क्या लगते हैं? बालक हूँ मैं। पंचायत के काम धाम माता जी के साथ में आप देखते हैं क्या? काम धाम है जहाँ जैसन माता जी जाती हैं, मीटिंग वीटिंग सब देख रेख करती हूँ। अब जहाँ थोड़ी बहुत मतलब सयानी है तो अब महूँ थोड़ी बहुत देख ली हूँ। अभी बुंदेलापुर नया गांव पंचायत का जो बुंदेलापुर आपका एरिया आता है वहाँ पर जो अभी तालाब बनाया गया है उस मजदूरों का आरोप ये है कि मजदूरी नहीं दी गई है। एक मजदूर ने वहाँ पर 18 दिन काम किया है और उसको मजदूरी नहीं दी गई। एक मजदूर का मामला ये आया है कि 2200 रुपये खाते में डाले गए हैं, जबकि उसका कहना ये है कि उसने जो है 90 दिन की मजदूरी की है। यह तो मास्टर सेक्रेटरी साहब देख के बता सके थे कि क्या कितनी मजदूरी गए। अब जानकारी हुई सब अपन ले रहा सेक्रेटरी साहब। नरेगा से जो भी काम हुए हैं उन पर आरोप ये लगे हैं आपकी माता जी पर कि पूरा काम इन्होंने सचिव के साथ मिल करके साठ गांठ के चलते मशीनों से कराया मशीनों। मैं तो साहब जब जब गया हूँ ऐसा नहीं है, मतलब जो पटल खोदी गई है काली मिट्टी नहीं थी वहाँ बगल से, तो काली मिट्टी मंगवाई गई है। कहाँ से मंगवाई गई? वहीं बगल से मंगवाई गई है, मंगल कोल के खेत से। न कि कोई और मजदूर उसी तरह मजदूर काम किए हैं, टोटल मजदूरों से काम हुआ।
काली मिट्टी की जो पटल खोदी गई थी उसमें काली मिट्टी ट्रांसपोर्टर द्वारा मंगवाई गई, 4 फीट काली मिट्टी डाली गई है ऊपर मेड़ के ऊपर। मशीन भी चली हुई है, लेबरों का भी काम दिया गया है, लेकिन लेबर को इतना काम दिया गया है कि आज भी लेबर परेशान है, बेपैसा में पैसा नहीं पा रहा है सर। हमारे यहाँ से सर सेक्रेटरी प्रताप सिंह नया गांव के हैं और एक सेक्रेटरी हैं बमहौरी तेलनी बमहौरी के उमेंद नाम है उनका, परिचित तो नहीं हो सर ढंग से, लेकिन पता है कि उमेंद नाम है। इनके द्वारा से हमारा जो काम चल रहा था काम करने में सर, पेट बांध के काम किए गरीब आदमी, फिर भी आज तक मजदूरी नहीं आए, बोल यही रहे हैं कि हम पैसा डाल दिए हैं। खाता जाते हैं देखने, बैंक वाले भी मारने दौड़ते हैं कि तुम्हारा पैसा आए कहाँ से जब काम ही नहीं किए हो। तो इस तरह में हम सर अपनी गरीबी झेल रहे हैं, काम किए हैं फिर भी आशा लगाए हैं कि पैसा हमारे खाता में आ रहा है, फिर भी आप पैसा नहीं हमारे खाते में आ रहा सर, तो ये मजबूरी झेल रहे हैं सर हम लोग। हमारा सर सगर मुनि आश्रम तालाब में किए हैं 34 दिन, जिसमें हमारा 2200 मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली सर, ये लेबरों से काम कम हुआ है, मशीनों से ज़्यादा हुआ है। और मेरी हाजिरी, मैं इस काम में मुझको लगाया सरपंच, और सरपंच लगाने के बाद मेरी हाजिरी पूरी काट दिया 90 दिन की, पैसा मुझको नहीं मिला। कितने लेबर यहाँ पर लगाई जाती थी? यहीं कहीं 5 लेबर और 25 मेट, और मेटे लोग सब ये किए। हाँ, मशीनें कितने दिन चली हैं तीनों तालाबों में? मशीनें में चली हुई हैं 15 दिन कम से कम। कितना पैसा लोगों का रुका हुआ है, कितने लोगों का पैसा नहीं? पैसा 10 लोगों को रुका हुआ है। क्या बोलता है सरपंच और सचिव? कहा मेरा तो कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तुम मतलब नेतागिरी करते हो, शिकायत करते हो, इसलिए तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा और न इस पंचायत में तुमको काम मिलेगा। अच्छा, कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने, क्या हुआ? कुछ नहीं शिकायत की है, मान ले इन्हें से शिकायत करत रहन सरपंच सेक्रेटरी से अमेट मुकदमन से, तुम कहें बिल्कुल तुमको लगाना ही नहीं है, इस एजेंसी तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, क्या नाम लिखते हैं आप? बाबूलाल यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।